डियर स्टूडेंट्स, एक नए टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। इस पे हम लोगों ने बातें की थी कि जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उस पे हम रेगुलर टेस्ट भी देंगे। 20 क्वेश्चंस का ये टेस्ट है जो कल हम लोगों ने 8 टॉपिक्स लिया था, 79th नंबर एपिसोड, उस पर बेस्ड ये टेस्ट सीरीज है, जिसके लिए कट ऑफ हमने रखा है 14 से 16। अगर आप 16 करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छा मानेंगे, 15-16, 14 भी आप कर सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, साथ में हमें यह भी पता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 18, 19, 20 स्कोर करेंगे, चूँकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूरी रात जग रहे हैं, पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक कि उससे भी शायद ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि आपके साथ हम भी जगते हैं। आइए आज एक मिस्टेक का सुधार देख लेते हैं। समाचार पत्रों का इतिहास, जो आज का जो एक टॉपिक्स दिया गया था उसमें जो समाचार पत्रों का इतिहास था उसमें पेज नंबर क्रॉन में मिस्टेक था, अब जान लें 111 से 12 नंबर पेज पे क्रॉन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज के इस 10 टॉपिक्स को उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने स्कोर्स आप कर पाते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिखेंगे आसान, लेकिन ये रेगुलर एग्जाम्स में दिखते हैं, साथ ही कुछ टफ क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इस तरह से है, सिंधु सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो दूसरी समकालीन यानी कंटेम्प्ररी जो सभ्यताएं थी उसमें नहीं दिखती। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। यह सिंधु सभ्यता में यह कौन सा जो फीचर्स था वो दूसरी सभ्यताओं में नहीं दिखता है, जो उसकी समकालीन सभ्यताएं थी उस समय की दूसरी सभ्यताओं में यह नहीं दिखता है। तो आपको सारे ऑप्शंस को, 5 ऑप्शंस हैं, तो आप बहुत ही सोच समझ कर आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। आपको पता होगा कि कॉटन को डिस्कवर किया था इंडस वैली के लोगों ने ही, सबसे पहले सूती कपड़ा यूज हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंधु स्थलों को मैच करना है, करेक्टली मैच करना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही मैच्ड है। सोचकर आप आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें 3 से भी ज्यादा क्वेश्चन सही मैच्ड हैं। केवल एक क्वेश्चन ऐसा है, रंगपुर, आटा पीसने की चक्की रंगपुर नहीं बल्कि लोथल में मिला है। तो यहां पर सिर्फ रंगपुर गलत है, बाकी टॉप के जो ऑल 3 हैं वो सही हैं। तो यहां पर ई ऑप्शन हो जाएगा, 5वां ऑप्शन, 1 से अधिक सही है। आज का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल अफगानिस्तान में स्थित था? सोच लें। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन सोच कर मारना है, इसे गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शोरतुगई। शोरतुगई आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप देख लें कि रेस्ट 3 आपके बुक में है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑड मैन आउट करके आंसर निकलेगा। शोरतुगई और मुंडीगाक दो बड़े महत्वपूर्ण स्थल थे जो दरअसल अफगानिस्तान में मिलते हैं। ये आप ध्यान रखें कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात में जो जितने भी हड़प्पाई स्थल हैं इनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। आज का चौथा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई? सोचकर, आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला कौन सा हड़प्पाई स्थल था जिसकी खुदाई की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोपड़। 1953 में रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में सतलज नदी के किनारे पंजाब में यह खुदाई हुई थी। आज का 5वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन था, यानी पोर्ट सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। लोथल में फारस की मोहरें भी मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 6ठा क्वेश्चन, 1760 में लड़े गए वाणीवाश के युद्ध में किस यूरोपीय शक्ति की निर्णायक पराजय हुई? डिसाइसिव डिफीट था, ये इन्हें मिला। ये कौन सी यूरोपियन पावर्स थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी। आयरकूट के लीडरशिप में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इस लड़ाई में डिफीट दिया, उसके बाद फ्रांसीसी खड़े भी नहीं हो सके। आज का 7वां प्रश्न,
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कौन था? सोचकर इसके आंसर आपको गलत नहीं करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो पहला गवर्नर था वो दरअसल अल्मीडा था 1505 में, लेकिन 1509 में आया अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने कई सारे विजय अभियान किए और कई सारे क्षेत्रों को जीतकर पुर्तगाली पावर को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया। आठवां प्रश्न, 1668 में पहली फ्रांसीसी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित हुई? फर्स्ट फ्रेंच जो फैक्ट्री थी ये कहाँ स्थापित हुई? ये भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूरत। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में ये फ्रांसीसियों की पहली कोठी थी। आज का नवा प्रश्न, ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस कहते हैं यूनिवर्स को, तो इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। याद रखें, एस्ट्रोलॉजी तारों या स्टार्स के की गतियों की जानकारी, एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा, कॉस्मोलॉजी होगा। आज का दसवां प्रश्न, अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स सामान्यतः किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? प्लैनेट्स के बीच में ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स। रेगुलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्स और जुपिटर। एस्टेरॉइड्स दरअसल ग्रहों के टूटे हुए भाग होते हैं जो कहा जाता है कि ये रिवॉल्व करते रहते हैं और कभी कभी धरती पे भी गिर जाते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसे ही एक एस्टेरॉइड के गिरने से बना है। आज का 11वां प्रश्न, 1758 में जीवों की द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम होमोसैपियंस कहते हैं, ये नोमेनक्लेचर बायनोमियल किसने दिया? द्विनाम पद्धति, राना टिग्रीना, बॉस इंडिकस, होमोसैपियंस, ये सब जो बायनोमियल नेम्स हैं ये किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम के बुक में ये पूरा जो जीव हैं उनके दो अलग अलग नाम, एक वंश को बताता है तो दूसरा जाति को। आज का 12वां प्रश्न, नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है क्या? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, किसके कारण? ये किसके बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड। एसिड को जब आप लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाएगा और इसी से पता चलता है कि ये एसिड है। अब देखिए, एसिड पर पीएच वैल्यू और इससे रिलेटेड ये सारे जो डिटेल्स आपको रखने चाहिए। आज का 13वां प्रश्न, निम्नलिखित अम्लों को, एसिड्स को, उनके स्ट्रेंथ यानी प्रबलता के घटते क्रम में आपको सजाना है, यानी सबसे शक्तिशाली सबसे पहले और सबसे कमजोर सबसे बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, HCl सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तब HNO3 और उसके बाद H2SO4। आज का 14वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने भारत का संविधान बनाया, ये कब पहली बार बैठी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946, जब अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष बने सचिदानंद सिन्हा। ये दिल्ली में ये दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल हाता में लाइब्रेरी भवन में इसकी पहली बैठक हुई थी। दो दिनों बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। आज का 15वां क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी जनसंख्या पे हुआ? आप जानते होंगे कि टोटल नंबर 389 थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से, 4 कमिश्नरी प्रांतों से, टोटल 389। तो हर सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुनकर आया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पांचवा ऑप्शन, जो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुना हुआ था। आज का 16वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद करने वाले समूह जिन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया गया, ये कौन थे? 1857 पे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, आप क्वेश्चन समझ लें। आप अंग्रेजों का साथ यानी किसने दिया था? अंग्रेजों ने इन्हें लड़ाकू जाति फाइटर्स घोषित किया था और सेना में बहाली अब इनकी ही होने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोरखा सिख और पठान। आज का 17वां क्वेश्चन, 1857 के महासंग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्कॉट पामर्स्टन। आज का 18वां क्वेश्चन, यह भी आप याद रख लें कि ग्लैडस्टोन 1885 में कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यहां पर आंसर हो जाएगा पामर्स्टन। आज का 18वां प्रश्न, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का विद्रोह किस रेजिमेंट में हुआ था? कैवी रेजिमेंट थी, मंगल पांडे किसे बिलोंग कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। आज का 19वां क्वेश्चन, बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहां है, किस जिले में मैक्सिमम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैमूर। कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ है, तो भभुआ बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। आज का अंतिम क्वेश्चन, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि यानी पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से किस तरह से भिन्न है? क्वेश्चन समझ लें, बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया है एक आदमी पर, वो राष्ट्रीय औसत से किस तरह से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम। दरअसल राष्ट्रीय औसत पर हेक्टेयर 0.08 है, जबकि बिहार में 0.02 और शायद उससे भी कम ही है। लमसम 0.02 हेक्टेयर पर कैपिटा है बिहार का, जबकि राष्ट्रीय है औसत है 0.08। तो आज का ये 20 क्वेश्चन का एपिसोड यहीं पर समाप्त होगा। आप काउंट करें, उम्मीद है कि आपने अच्छे स्कोर्स किए होंगे। एक नए एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, टेक केयर।